गंदे पानी की समस्या को लेकर नगर परिषद कार्यालय बामौर में वार्ड नंबर 13 डिपो मोहल्ला के करीब 200 से अधिक मोहल्ला वासियों द्वारा कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष लोकेन्द्र सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यालय का घेराव किया गया। ज्ञात हो कि वार्ड नंबर 13 डिपो तथा दुर्गा कॉलोनी मोहल्ले में मोहल्ला वासियों को पिछले एक वर्ष से गंदा पीने का पानी मिल रहा है, जिससे उन्हें खुजली की शिकायत हो रही है। बुधवार की दोपहर 12 से 1 बजे तक मोहल्ला वासी द्वारा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष लोकेन्द्र सिंह यादव के नेतृत्व में परिषद कार्यालय का घेराव किया और पानी की समस्या को लेकर नारेबाजी की। आश्चर्य की बात तो यह है कि नगर परिषद कार्यालय में करीब 1 घंटे तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था। मोहल्ला वासी सावित्री देवी, कटोरी बाई तथा रानी देवी ने बताया कि उन्हें पिछले एक वर्ष से नगर परिषद द्वारा कीटाणु युक्त मटमैला गंदा पानी मुहैया कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत परिषद कार्यालय में कई बार करने के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। परिषद द्वारा उन्हें मुहैया कराया जा रहा पीने के पानी से उन्हें खुजली की शिकायत हो रही है। इस बारे में नगर परिषद CMO दिनेश श्रीवास्तव का कहना है कि फिल्टर प्लांट में जाँच कराकर मोहल्ला वासियों को शुद्ध पानी मुहैया कराया जाएगा। और बामौर नगर परिषद में पिछले कई दिनों से जो गंदा पानी आ रहा है, उसको लेकर के नगर परिषद कार्यालय पर आज जो है वार्ड नंबर 13 और 12 के लोग इकट्ठे हुए हैं। आइए मैं शिविर आपको रूबरू कराता हूं लोगों से कि उन्हें क्या परेशानी है और ये किस बात को लेकर के नगर परिषद। सर, नगर परिषद में आज पानी की समस्याओं को लेकर के लोगों ने घेराव कर रहे हैं, क्या समस्या है? आपको पता होगा कि पिछली बार भी हमने 14 जून 2023 को पानी जो बामौर शहर में जो गंदा पानी आ रहा है जी। जो पीला पानी आ रहा है जिस कारण लोगों को खुजली तथा अन्य कई बीमारियां हो रही हैं, उसके लिए हमने यहां पर धरना प्रदर्शन किया था और बामौर नगर पालिका अध्यक्ष और CMO से आग्रह किया था कि श्रीमान जी, ये आम जन मानस की जो समस्या है उसका समाधान जल्दी से जल्दी हो और सब लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले। हाँ, इससे पहले हमने 14 जून 2023 को किया था, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तकरीबन 2 महीने होने को आ गए हैं जी। और आप आज की स्थिति देखिए कि तकरीबन अभी 1 बज रहा है दोपहर का, कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, ना तो नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर है, ना ही नगर पालिका CMO यहाँ पर है, बाकी जो इंजीनियर है वो भी यहाँ पर नहीं है, छोटे मोटे जो कर्मचारी हैं वो भी कर्मचारी सत्ता के मद में इतने चूर हुए हैं कि अभी जब हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एक नगर पालिका कर्मचारी हमारा वीडियो बना रहा था, मैं उस कर्मचारियों से और उनके जो उनको आश्रय दिए हुए हैं सबसे आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, जनता के लिए संघर्ष करते आए हैं और संघर्ष करते रहेंगे। आपने देखा होगा पिछली बार जब हम आपके पास आए थे तब भी कांग्रेस का वार्ड था, ये भी वार्ड नंबर 13 जो है कांग्रेस का वार्ड है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि बामौर नगर पालिका अध्यक्ष को ये लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ, पद पे बैठने के बाद व्यक्ति किसी का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता, वो जिस क्षेत्र का होता है वो संपूर्ण क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन आप देखिए आज क्या हालत है, आप उधर घुमाइए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप देखिए ये समस्या कब से बनी हुई है, ये तकरीबन इस समस्या को तो 1 साल से ऊपर हो गया है जी जी। बाकी वार्ड नंबर 13 की जो समस्या है इसको तो तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, पानी साफ नहीं आ रहा है, पानी साफ नहीं आ रहा है। आप देखिए पानी बिल्कुल गंदा पानी है, आपके सामने अभी हमने बाल्टी और वो रखे हुए हैं, लोग बाग बाल्टी हाथ में लिए हुए हैं, पानी की बड़ी गंभीर समस्या है। आज आप लोग यहाँ कार्यालय में आए हो तो CMO वगैरह कोई नहीं आज? नहीं, हमने CMO महोदय से बात करने की प्रयास किया था तो CMO महोदय का कहना है कि हम दिखवाते हैं जी, लेकिन यहाँ पर मुझे तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति दिख नहीं रहा है। आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप बताइए, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो जी। ये यहाँ पे बामौर नगर पंचायत जितने भी कर्मचारी हैं सब निरंकुश हो चुके हैं, वो अपनी मनमर्जी के मालिक हैं, कोई 1 बजे आता है, कोई 1:30 बजे आता है, कोई 2 बजे आता है और कोई आता ही नहीं है, कारण उनको नगर पालिका अध्यक्ष का सानिध्य प्राप्त है, उनका आशीर्वाद है, उनके कर्मचारी है, तो उनको लगता है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से कि हमारी जो पानी की समस्या है सबसे पहले तो उसका समाधान किया जाए, दूसरी बात जितने भी कर्मचारी हैं जो निरंकुश हैं, जो जनता की समस्या का समाधान नहीं करते, उन कर्मचारियों को तत्काल हटाया जाए। अगर उन कर्मचारियों को हटाया नहीं गया, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, तो हम बड़ा एक धरना प्रदर्शन जिसमें कम से कम 2000 लोग लेके हम बामौर नगर पंचायत का घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे। अगर हम ये सब करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी बामौर नगर पंचायत अध्यक्ष की और CMO की होगी। महादेवी नाम है आपका, तो मैंने बताइए आप नगर पालिका में आइयो, क्या समस्या है? पानी की परेशानी है,
पानी की परेशानी है, क्या पानी बंद आ रहा है, पानी बिना बीमार रह रहे हैं, दो दो ढाई साल रह रहे हैं, ढाई साल से पानी ना आ रहा है, और जो पानी मुश्किल से आठ में। तो ये समस्या कब से बनी आपकी? दो ढाई साल है रहे, और जहाँ तक ज्यादा बनी नल आए, नल लगे हैं तब से यही पानी आ रहा होगा, जहाँ तक ही ज्यादा आ रहा होगा। अरे आधा घंटा एक घंटा मुश्किल से आता है, कोई नहीं आता है, जो पानी मुश्किल से आता है, जो पानी ना तो कहना खुजली मच रहे किसी गांव में, मगर नहाते हो तो खुजली मचती है, खुजली मचते हैं, मोड़ में बीमार है। इससे पहले भी आपने जो पानी को लेकर, इससे पहले भी आपने पानी को लेकर प्रदर्शन किया था और ये मांग रखी थी, तो क्या समस्या का हल हुआ आपका? पहले नहीं बाबा, तो आप लोग क्या चाहते हो? पानी आना चाहिए, तो आज आप यहाँ पर आए हुए, आपकी किसी संबंधित किसी अधिकारी से बात हुई है, मुलाकात नहीं हुई है? अध्यक्ष वगैरह सीएमओ नगर नगर परिषद के जो सीएमओ साहब या अध्यक्ष वगैरह से मुलाकात हुई?